हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के सीटेट क्रैकर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, पार्ट वन को। आप सभी के चैनल पे सीटेट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और ये पहला वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के 10 प्रश्नों की चर्चा होगी इस पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो को आप सभी देखें और अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट करना ज़रूरी है। सीटेट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे सीटेट 2018। हम केवल पेपर वन की डिस्कशन करेंगे और 150 क्वेश्चंस होते हैं पेपर वन में, ये आप जानते हैं। पेपर वन की डिस्कशन होगी। पेपर वन क्वालिफाई करने के बाद आप सभी प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से 5 के टीचर्स आप बन सकते हैं पेपर वन क्वालिफाई करने के बाद। हमारा जो प्रिपरेशन होगा ये 3 बेस पे होगा। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी जो भी क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, जो आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद हमारा प्रिपरेशन होगा NCERT बुक्स पे, जो कि बेस होता है सीटेट का, इनसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो आपका डिप्लोमा है, जैसे कि आप सभी DLED कर रहे हैं, DED कर रहे हैं, BED कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमा आप कर रहे हैं उसका बेस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, DED किए, BED किए, उसका जो बेस है वो आपके माइंड में होना चाहिए। इसी को लेके ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन होगी। और अगर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ये बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने चैनल पे, TestTube चैनल पे। आपके 5 सब्जेक्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। 5 सब्जेक्ट होगा, 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी, 30 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो हम देखेंगे वो होगा हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। चौथा पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न इससे। पांचवा गणित एवं शिक्षा शास्त्र यानी मैथ्स, इससे 30 प्रश्न। तो आज हमारा डिस्कशन होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज हम पिछले सालों के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपको करना है तो पहले उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम देखेंगे 2016 के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। दूसरा, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा, वह रश्मि व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। इन 4 ऑप्शंस का में सही उत्तर कौन होगा, आप सभी तुरंत वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगा नीचे। तो सही उत्तर होगा इसका पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। अब इसका रीज़न मैं आप सभी को देने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी आप सभी जानते हैं, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट। प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली जो गतिविधियाँ होती हैं, अगर वो चुनौतीपूर्ण ना हो और उनमें उनका इंटरेस्ट ना हो तो वो उब जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। आपने भी देखा होगा एक शिक्षक होने के नाते कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, अगर क्लासेस में कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो वो उब जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, यदि शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चौथा ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अभी वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा, ये मैं आप सभी को बता दूँ, सही उत्तर होगा तीसरा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अब रीज़न सुनिए, इसका रीज़न क्या है। देखिए, अधिगम एक प्रक्रिया होती है, लर्निंग एक प्रोसेस होता है। अगर आप किसी को सिखाएंगे तो ये प्रोसेस के हिसाब से होता है। तो जब तक
आप एक शिक्षक हैं और आप एक बच्चे को सिखा रहे हैं, जब तक आप एक कनेक्शन उसके में नहीं ढूंढेंगे तब तक बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो सही उत्तर इसका होगा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगर आप एक संबंध स्थापित करेंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा और जो लर्निंग की प्रोसेस है क्लास में अच्छे से होगी। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर, लॉजिकल है, सिंपल है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न देखें, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे समस्या समाधान करता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, चौथा ऑप्शन है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तुरंत वीडियो पॉज करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या उत्तर होगा इसका। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, यानी बी सी और डी, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। दूसरा होगा बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, विभिन्न प्रकार के कल्पना, विभिन्न प्रकार के शोध वो करते रहते हैं अपने चीज़ों के साथ। तीसरा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये तीनों इसके उत्तर होंगे। सिंपल था आपने बताया और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो नीचे कमेंट में मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर देखूंगा, तो कमेंट ज़रूर करेंगे आप। चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? चार ऑप्शंस हैं, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप सभी शिक्षक हैं, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। नीचे कमेंट में इसका उत्तर बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सही इसका उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है चौथे प्रश्न का, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, प्रश्न पूछा गया है संप्रत्यात्मक। संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय एक मानसिक श्रेणी होती है जो कि हर विद्यार्थी में होता है, और जब तक आप विद्यार्थी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक उनसे आपका कनेक्ट नहीं होगा और वो समझ नहीं पाएंगे, वो प्रोत्साहित नहीं हो पाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देकर और उनकी तर्क शक्ति का उपयोग करके उन्हें प्रोत्साहित करना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांचवा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण से सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला ऑप्शन है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है जहां शिक्षा सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। चौथा ऑप्शन है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चौथा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन का सही उत्तर होगा, ये प्रश्न है पांचवा, और पांचवा प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। रीज़न आप सब सुने, यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता हो तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखता है। अगर एक स्कूल में बच्चे को प्यार मिले, बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, शिक्षक सहयोगी हो तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो इस हिसाब से चौथा इसका जो उत्तर है, चौथा ऑप्शन है, ये सही है। छठे प्रश्न पे चले। छठा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, बताएं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। छठा प्रश्न है, सही उत्तर होगा इसका दूसरा,
ए, बी और सी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि एक पक्षी, बच्चे ने जैसे बताया एक पक्षी, इसका मतलब बच्चे के अंदर स्मृतियाँ डेवलप हो चुकी हैं, यानी आ चुकी हैं। बच्चा समझ चुका है कि जो चिड़िया है, जो कौआ है, वो एक पक्षी है, और उसके अंदर के जो उपकरण हैं वो विकसित होने लगे हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। सातवां प्रश्न देखें, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पहला ऑप्शन है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने ऐसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखने विद्यार्थी की ऑनरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने के कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ये चार ऑप्शंस हैं, सातवां का सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। सही उत्तर क्यों है, क्योंकि आप सभी अब इसका रीज़न सुने। बच्चे में प्रेम रूपी प्रेरणा होती है, अगर आप किसी बच्चे को प्रेरित करें तो बच्चे की भीतरी प्रेरणा विकसित हो जाती है, जिसके वजह से वो प्रोत्साहित होता है और वो कार्यों को जल्दी कर लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। देखिए, सारे प्रश्न काफ़ी सिंपल पूछे जाते हैं और सारे ऑप्शंस भी काफ़ी सिमिलर होते हैं। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें आपको चारों सही लगेंगे, परंतु जो सही शिक्षक होते हैं, जिनका मेंटल जो बैलेंस होता है वो सही होता है, वो समझ जाते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। अगर आप सीटेट के सारे प्रश्नों को देखेंगे तो सभी के सभी आपको आसान लगेंगे। आपका जो मेंटल थिंकिंग है ये स्ट्रांग होना चाहिए और सही उत्तर आपको पहचानने आना चाहिए, ऑप्शन आपको एकदम मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। आठवां प्रश्न देखें, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। चार ऑप्शंस हैं, पहला है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, तीसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उसमें चिंता और डर पैदा कर। इसका उत्तर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के कमेंट्स देखूंगा। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। सिंपल है, इजी है, सीधा सीधा आपको दिख गया, तो ये इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न देखें, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। चार ऑप्शंस हैं, पहला है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडनात्मक उपयोगों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तीसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नौवां का सही उत्तर होगा, आपको पता चल चुका है, चौथा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल दिखने वाला आंसर है और यही आपका उत्तर होगा। इसका रीज़न सुने, शिक्षकों का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होना चाहिए जिससे बालक सीखने के प्रति जिज्ञासु बने और नई नई बातें सीखना पसंद करें। ये सिंपल है, तो आप इसके आंसर को लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न देखें आज के वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। दसवां प्रश्न है, इसका उत्तर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर बताएं हमें। सही उत्तर होगा व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ये इसका सही उत्तर होगा। इसे समझने में आपको परेशानी हो रही होगी, मैं आपका रीज़न आपको बता दूं। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का ये एक उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरीके की होती है। तो ये जो उत्तर है दूसरा, ये सही है। आप जान लें व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम क्या होता है। इस अधिगम में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरीके की होती है, ये इसका उत्तर होगा। देखिए, सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, यानी पहले पूछे गए प्रश्न ही रिपीट कर दिए जाते हैं कई बार, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि चार पाँच मापदंडों पे
तीन मापदंडों पे हम इस पूरे कोर्स की तैयारी करेंगे। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दूसरा है एनसीईआरटी बुक्स, तीसरा है डिप्लोमा। ये इस कोर्स का पहला वीडियो था, सीटेट का पहला वीडियो था। अभी आप सभी के सीटेट के फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे हैं, बट जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट होगी। जितने भी हमारे एनआईयूएस डीएलएड के शिक्षक हैं, अगर फॉर्म दिसंबर के पहले आ जाते हैं और सितंबर में एग्जामिनेशन हो जाती है, तो इस बार तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, परंतु अगले साल आप एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अगर फॉर्म लेट से आती है, एग्ज़ामिनेशन दिसंबर के बाद होगा, तो आप फॉर्म्स को भर पाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर क्लियर कर पाएंगे। सीटेट के फॉर्म्स को भरने की जो एलिजिबिलिटी है, मैंने बताई थी कि किसी भी हाल में आपको फाइनल ईयर में होना ज़रूरी है, तो आप इस फॉर्म्स को भर सकते हैं। फिर भी चिंता ना करें, आसान एग्ज़ाम नहीं होता है, कम से कम एक साल की तैयारी इसमें चाहिए, जो कि तैयारी आप सभी के चैनल पर होगी। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले दो बार मैंने लाइव करने का कोशिश किया था, बट यूट्यूब में क्या परेशानी आ गई है, लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। इस वीडियो का भी नोटिफिकेशन जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको भी लेके मैं काफ़ी चिंतित हूँ। तो जो भी हमारे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि आपके सर को भी प्रेरणा मिले। और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो, लाइक करिएगा तो हम आगे वीडियोस आपको और अच्छे अच्छे देंगे। जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो वीडियोस को केवल शेयर करें। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, लॉन्ग लिव इंडिया।